लोकसभा सत्र के बाद में हनुमान बेनीवाल शनिवार और रविवार को राजस्थान दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने बीकानेर में लोक देवता बाबा रामदेव की नवनिर्मित मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिया और उन्होंने वहां पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस सरकार पर चाहे राजस्थान में हो चाहे लोकसभा में दोनों जगह भारी पड़ते हैं। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए हुए कहा कि मैं जूते चप्पल नहीं उठाता और मैं स्वयं इतना ताकतवर हूं कि सरकारों को झुकाया है। आने वाले समय में राजस्थान का मुख्यमंत्री वही बनेगा जो किसान और जवान के हितों की बात करेगा और ये आने वाले समय किसानों का है। मैं लोकसभा में किसानों और जवानों के लिए मुद्दे उठाता रहता हूं और राजस्थान राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिले इसके लिए भी पुरजोर कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी कई मुद्दों पर उन्होंने बात की। क्या कुछ हनुमान बेनीवाल ने इस मौके पर कहा, आइए देखते हैं। कि ये पावन धरती जहाँ रामदेव जी महाराज का जन्म स्थली है, एरिया के नाम से आज कल और जब तक ये आपका कार्यक्रम, लाखों लाख लोग इस देश के अंदर इस भव्य मंदिर को जो 15 साल कड़ी मेहनत करके इस इलाके के हमारे भाइयों ने, इस ट्रस्ट ने इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं 2-3 साल पहले यहां पर आया था, देव जी महाराज का आशीर्वाद मुझे मिला और यहीं से पहुंचा हुआ था कि हुकार हनुमान आपको भरनी है, राजस्थान को जगाना है और वो हुकार की ताकत बाड़मेर के मेरे राम साहब पीर और तेजा जी के भक्तों ने हनुमान बेनीवाल को दी थी। वो रात का समय था, लाखों लोग थे और एक ही नारा लगा रहे थे। बात तो ये हुई थी उस समय कि राजनीतिक बात नहीं करनी है, लेकिन सारे शुरू हो गए कि राजस्थान को आगे ले जाना है, राजस्थान को जगाना है और राम साहब पीर का पर्चा यहीं से मिला। और उस समय आपने ये भी कहा था कि जब रामदेव जी का मंदिर पूर्ण हो जाएगा तब हम आपको बुलाएंगे। मुझे उस समय की मेरी एक घोषणा भी याद है, मैंने कहा मैं राज्यसभा के किसी मेंबर से 10 लाख रुपए यहां लगवाऊंगा। भाइयों, अब मुझे राज्यसभा के मेंबर से लगाने की जरूरत नहीं है, मेरा खुद का कोटा है, उनमें से 5% रुपए में दूसरे जिलों में भी दे सकता हूं। नियम है, इसलिए मैं मेरे कोटे से 10 लाख रुपए, लेकिन आएंगे कब, जनवरी फरवरी के अंदर। अब की बार का कोटा तो क्या पंचायत चुनाव था ना, तो छीन लिया मेरे से फटाफट, है ना। तो जो नया बजट आएगा उसमें पहली स्वीकृति हनुमान बेनीवाल के सांसद कोष से या इस ट्रस्ट को 10 लाख रुपए की जो मेरी घोषणा थी, आप जैसा बनवाना चाहते हैं वो मेरे कोटे से ही यहाँ पे बनवा दूंगा। ये मुझे मेरी घोषणा अच्छी तरह याद है। मैं धन्यवाद आप लोगों का, बताओ उदाराम जी का मैं कई बार सुनता हूँ कि उदाराम जी कई बार भजन वगैरह गाते हैं, लेकिन मेरे को कभी नहीं सुनाया उन्होंने, आज ही सुना मैंने। उदाराम जी बहुत सज्जन व्यक्ति के धनी है और पूरे जिले के अंदर ये हमेशा हमारे मुराराम जी बेरड़ पहला भाषण इन्होंने दिया था, मैं उंडू में आया था उस समय, पहला भाषण बेरड़ था, मजबूत आदमी। हमारे बीच उपस्थित पुखराज जी गर्ग जो भोपालगढ़ के, पुखराज जी पूरे राजस्थान के अंदर बंजारों पे जब नागौर के अंदर पुलिस ने लाठीचार्ज किया
मुख्यमंत्री के इशारे पर जब तब मैं दिल्ली पुखराज जी को रात को मैंने फोन किया, मैंने कहा आपको जाना है भाई पुखराज और मेरी मित्रता की विधायक इंदिरा बावरी वहां उन बंजारों को बचाने के लिए पुलिस के डंडे लाठी खाने के लिए वहां उनके बीच उपस्थित रहे और सरकार ने इन पर झूठा 302 का मुकदमा भी दर्ज कर लिया, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, हिम्मत वाले आदमी। और मैं तो भाइयों ये भी कहना चाहता हूं कि शेड्यूल कास्ट के जो जिन्होंने छुआछूत के खिलाफ आंदोलन किया, रामदेव जी का अवतार हुआ और रामचा पीर ने आम आदमी की लड़ाई लड़ी, इसलिए 36 को रामचा पीर को मानती है। तो बसपा पार्टी जो राजस्थान के अंदर है उसके 6 एमएलए जीते, उनमें एक भी मेघवाल, नाइक और बावरी नहीं था। और हनुमान की पार्टी में 3 जीते जिसमें 2 शेड्यूल कास्ट के थे। अब बताओ असली पार्टी कौन सी शेड्यूल कास्ट वाली, तो मेरी पार्टी हुई ना। तो मैं रामचा पीर के जो जयकारे लगाता हूँ, ये लोग कहते हैं रामचा पीर के जयकारे से क्या होगा, मैंने कहा आने वाला समय ठीक हो जाएगा। तो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, देश को जब आजादी मिली थी तो 200 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी, मंगल पांडे तांतिया टोपे ने आजादी की शुरुआत की, अंग्रेजों ने फांसी पे चढ़ा दिए, तोप के आगे खड़े करके भून दिया लोगों को, फिर भी हिम्मत नहीं मारी हारी। और भगत सिंह के अंदर बम फेंका उन किसान के बेटों ने, एक तरफ नरम दल के नेता आंदोलन कर रहे थे जिनमें गांधी जी भी थे, और दूसरी तरफ वो क्रांतिकारी नेता थे जो कह रहे थे कि खाली बातों से नहीं होगा, हमें कुर्बानी देनी होगी। उन्होंने अपना जीवन इस भारत माता के लिए समर्पित कर दिया। भाइयों जिस तरह भगत सिंह ने लड़ाई लड़ी 23 साल की उम्र के अंदर, सादत दी, हमारी कौम का मान बढ़ाया देश के अंदर, और नौजवानों के उस आंदोलन को इस वर्ल्ड के अंदर दिशा दी। और अंग्रेज भगत सिंह ने जब असेंबली में बम फेंका तो रातों रात मोरिया भी तक समेट लिए कि पता नहीं कितने भगत सिंह और होंगे भाग गए समुद्र के रस्ते, अंग्रेज देश छोड़ के भाग गए। देखिए अंग्रेज आजादी के आंदोलन के अंदर हो सकता है कि नरम दल के नेताओं की भूमिका रही होगी, लेकिन धर्म दल अगर नहीं होता तो 50 साल तक हिंदुस्तान और आजाद नहीं होता। ये क्रांतिकारियों इससे पूछना, तो राजस्थान में बात चली कि हनुमान को पूरी सरकार हरा नहीं सकी, और पूरी सरकार के दोबारा घुटने टेक के पहले गहलोत के बेटे को हराया और दूसरी बार गहलोत को हरा के और उसका हार का लाइसेंस रिन्यू किया क्यों सर के अंदर, इससे बहुत बड़ी तकलीफ। देखो भाइयों बयान चलते हैं राजनीति के, बयान वो लोग भी देते हैं हम भी देते हैं, लेकिन हनुमान हनुमान है। कई लोग मेरा कोई नहीं देता, कोई नेता आता तो मैं उसकी फाटक नहीं खोलता, किसी के जूते चप्पल चाय के प्लेट नहीं उठाता। और इसलिए मैंने मेरी खुद की पार्टी बनाई, मुझे पता था कि मेरा एडजस्टमेंट नहीं बैठता, मैं तो एक एक मिनट में नाराज होकर चला जाता हूँ। तो मैंने कहा मेरी पार्टी बनाऊंगा, मैं कुछ बनू या नहीं बनू, लेकिन मेरे भाइयों के लिए एक ऐसा मंच तैयार करूंगा राजस्थान के अंदर, मैं संघर्ष सिखाऊंगा राजस्थान के किसान के बेटों को कि उनकी असली जो सत्ता है वो मुख्यमंत्री का पद है, मंत्री पद आपकी असली ताकत नहीं है। जो भाइयों आपको जगाने का बीड़ा मैंने उठाया और पिछले 15 साल के अंदर राजस्थान के कोने कोने के अंदर गया, और राजस्थान का ऐसा कोई दादा नहीं होगा, ऐसा कोई माफिया नहीं होगा जिसके खिलाफ हनुमान ने लड़ाई नहीं लड़ी। चंबल के बीड़ का जगन गुजर का नाम सुना होगा डाकू का आपने, जब मैंने लोकसभा के अंदर मामला उठाया तो दूसरे दिन ही सरेंडर हो गया डर के मारे, इनकाउंटर हो जाएगा पता है ना तुम लोगों को। इसलिए अब की बार बाड़मेर के मंत्री जी ने रोंग नंबर डायल कर दिया, अब इनको भी मुझे लग रहा है कि अब लास्ट आखिरी पारी खेलेंगे मंत्री जी आपके, क्योंकि मैंने कभी इस तरह की हरकतें राजस्थान में कभी नहीं की, मैंने कभी बच्चों को, कई लोग बाड़मेर के अंदर ये भाषण देते घूमते हैं उम्र के आखिरी पड़ाव के अंदर, लोगों की तबीयत खराब हो जाती मानते हैं पर बार। ये कहते हैं कि हनुमान छोरों को बिगाड़ रहा, मुझे आप बताओ बाड़मेर के कितने लड़कों को मैंने बिगाड़ के और जमीनों पर कब्जे कराया, दारू बिकवाता हूँ, किसी एक लड़के का नाम बताओ राजस्थान का। ये तो हनुमान ही है, आपको अपनी ताकत याद दिलाता है, वो ताकत याद दिलाता है कि तेजा जी के भक्तों सत्ता आपका इंतजार करिए, तब तक 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पर रहोगे
नंबर एक की लड़ाई लड़ो, मुख्यमंत्री हमारा भाई होना चाहिए। कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी हिल गई और जिसका मेरे से झगड़ा था उसकी तो मैंने छुट्टी कर पीछे, और राष्ट्रहित के अंदर जब बात आई तो मैंने प्रधानमंत्री जी मोदी जी से बात करी। आप सबका भी मन था कि मोदी जी को सपोर्ट करो, देश की आवश्यकता है, और भाइयों आपके कहने से मैं लोकसभा में पहुंच गया। वैसे शुरू शुरू में मेरा मन कम लगा था 10-15 दिन लोकसभा के, तो राजस्थान छोड़कर दिल्ली के कोने में ले जाकर बिठा दिया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं नहीं जाऊं तो लोकसभा भी सुनी। देश के हर कोने का एमपी कहता है हनुमान जी आप नहीं आते तो मजा ही नहीं आता, और मैं अकेला ही कांग्रेस में भारी पड़ जाता हूँ। आप देख तो बिठा देता हूँ पूरी कांग्रेस पार्टी। भाइयों आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, पहली बार इस प्रदेश के किसी सांसद ने राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की पुरजोर मांग इस देश की लोकसभा के अंदर करी। मैंने कहा कि 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया और 5 राज्य जो विशेष राज्य की दर्जे की दौड़ के अंदर है, अगर राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए इतना पैसा दिल्ली से आएगा, नहीं तो आपको टोल देना पड़ेगा, नहीं बिजली के पैसे देने पड़ेंगे, नहीं पानी के पैसे देने पड़ेंगे और नहीं स्कूल की फीस देनी पड़ेगी। ये होता विशेष राज्य, जैसे जम्मू कश्मीर था वो थोड़ा सा अलग था, 370 थी उसमें। बाकी विशेष राज्य का मतलब ये है कि सारा सारा पैसा केंद्र देता है और वापिस नहीं लेता, ये होता विशेष राज्य। मैंने कहा कि राजस्थान में तमाम मापदंड पूरे करता है, रेतीले धोरे, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर, ट्राइबल बेल्ट के भीड़, अरावली की पर्वतमालाएं, हमारा राजस्थान वो तमाम मापदंड पूरा करता है तो विशेष राज्य के दर्जे के लिए आ चुके। भाइयों सरकार के अंदर रह के मजबूती से सरकार से मांग करने के लिए बहुत बड़ा खड़े चाहिए। मोदी जी के साथ हूं, लेकिन किसानों की कर्ज माफी का मामला भी लोकसभा के अंदर उठाया, और मैंने यह भी कहा कि देश टोल मुक्त होना चाहिए। देखते हो ना लोकसभा की टीवी की कार्रवाई, ये दूसरे लोग उठा सकते हैं क्या? तो कांग्रेस के नेता यह कहते हैं कि हनुमान जी अब टोल वाली बात कैसे भूल गए, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ भाइयों रेगुलर आप टीवी देखोगे और लोकसभा की कार्रवाई देखोगे तो हनुमान के वो तमाम मुद्दे जिंदा है जिनको लेकर हुंकार राजस्थान में भरी, आरएलपी पार्टी का गठन किया और आपके बीच एक नई तीसरी ताकत खड़ा करने का प्रयास किया। मुझे एक मिनट कम कर, ये लोग कांग्रेस वाले गाने लग गए बार वाले माइक बंद करा दो, बाकी चलने दो, माइक बंद करा दो, बाकी एक मिनट बार लोग कम कर दे, थोड़ा तुम सुनो भाइयों। बार बार मीडिया के लोग पूछते हैं मुझे कि आप के प्रति बाड़मेर के अंदर इतना प्यार क्यों है, तो मैंने कहा बाड़मेर जोधपुर नागौर ये मारवाड़ का हिस्सा है, हमारी संस्कृति एक है, और कहीं कहीं हनुमान बेनीवाल का पूर्व जन्म का रिश्ता बाड़मेर से हो सकता है, पता नहीं चलता पूरा, इसलिए मैं भाग दौड़ के बाड़मेर की धरती पर आता हूँ। बाड़मेर ने मुझे नई ऊर्जा दी, बाड़मेर ने हमेशा मेरा साथ दिया, और खरनार के मेरे को भी अगर देश चित किया तो बाड़मेर और जोधपुर के जवानों ने उस खरनार के मेरे को भी देश भर के अंदर चित किया। भाइयों मोदी जी के साथ हूँ, तो आपने दिया रामदेव जी का भव्य मंदिर बना दिया, हमारे वहां मंदिर अभी तक बन नहीं पाया क्योंकि आप तो जानते हो हमारे जो पहले के नेता थे वो तो तेजा जी का नाम ही नहीं लेते थे, वो तो तेजा जी से भी अपने को बड़ा मानते थे, कोई तेजा जी की जय बोलता तो कहते
तो पांच मत कर मां की बोलते तो उनको तो क्या तेजाजी महाराज इलाज कर देंगे। लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, मैंने प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत बात भी की है, वीर तेजाजी महाराज के खरनाल का जो मंदिर है उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करवाना है। इसलिए हनुमान बेनीवाल पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेगा और मैं लड़ता हूँ तो जीत तो मेरी होती है, समय लग सकता है, ये तय है। तो भाइयों मैं लड़ूंगा आपके लिए। अब बड़े आंदोलन का ऐलान हमने कर दिया, जोधपुर की धरती से बड़ी हुंकार भरेंगे जिसमें तमाम वो मुद्दे टेलीफोन आते हैं बाड़मेर से बच्चों के कि उस एग्जाम को आगे बढ़ाओ, शिक्षा कर्मियों को नियमित करो। मुझे लग रहा है राजस्थान के अंदर बाड़मेर सबसे ज्यादा जागरूक हो रहा है इन दिनों के अंदर, तभी तो तेल निकला है। भगवान की इतनी बड़ी कृपा हुई बाड़मेर पे कि हमारे भाई तो तकलीफों के दौर से गुजरे थे। एक जमाना था जब पीने का पानी नहीं हुआ करता था, पानी के लिए आंदोलन लोग करते थे और पानी से प्यास से लोगों की जान भी चली जाती थी। वहाँ ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि तेल निकला है और कई भंडार निकलेंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि तेल निकल गया, गैस निकल गई, कोयला निकल गया, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला। उसका कारण है मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन यहाँ के नेता अपना पेट भर के मोटा करना चाहते हैं। कौन कंपनियों से